आज मैं एक बड़ा फिटनेस का फंडा देके जा रहा हूँ वो, वो फॉलो करना बहुत फिट रहोगे जो खाना टेस्टी होगा ना उतना हेल्दी नहीं होगा और जो हेल्दी होगा उतना टेस्टी नहीं होगा अब आप पिज्जा बर्गर ये सब खाते हैं उनको चबाने लग जाओ आप चबाओगे ना तो टेस्टलेस हो जाएंगे ये पांच उंगलियां हैं और शरीर पंचतत्व से बना है ये तत्व वही है पूरे जो बॉडी के 80 परसेंट जो वो सिस्टम है ना वो इन हाथ से और नीचे वाले पैरों से अगर आपको सही वर्कआउट करना ना अच्छा वर्कआउट करना तो आप कुछ खा के वर्कआउट कर ही नहीं सकते आप जिम में कुछ सेव खा के ब्रेकफास्ट करके कर लो मगर वर्कआउट करता हूं ना ना आप कुछ खाओगे तो ही आ जाएगा फिटनेस का सिक्स का जीरो कोई नहीं है फिटनेस का मतलब यह है कि हम अपने दैनिक कार्य आसानी से करें और शाम को हमें आराम से नींद आ जाए वो फिटनेस है वो भैया वो बॉडी थोड़े दिन दिखने के लिए बनाते हैं वो फिट नहीं होते हमारे तो जैसे होता है जो पूरी जिंदगी है आप एक तो चाय कॉफी भी आप उतनी लो जितनी जरूरत है नशा बिल्कुल मत करो और हुँ. नशा करते हैं है, करते, को, को, करते है।, है आपको नशा करने की आज कल बच्चे पता क्या करते हैं पिजा फाइव हंड्रेड कैलरीज्रेडरीज सेवनरीज अरे भैया बॉडी नेचर से चलती है साइंस से नहीं चलती को फैट टू फिट फिट टू एथलीटी आज के पॉडकास्ट के लिए हमने इनवाइट किया है एक ऐसे इंडियन रेसलर को जिन्हें बचपन में ही रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया था जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बताना चाहूंगी कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म यानी कि हमारी इम्यूनिटी हमारी ही बॉडी के टिश्यूज़ पे अटैक करना स्टार्ट कर देती है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन और स्वेलिंग होने लगती है इंसान ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकता So, उस कंडीशन से निकलकर इंडिया के टॉप रेसलर बनना कॉमनवेल्थ हेवी वेट चैंपियनशिप जीतना इंडिया को ग्लोबली रिप्रेजेंट करना और एक्टिंग का करियर शुरू करना ये बहुत ही अनबिलीवेबल सी बात है तो बुलाते हैं कैसे ही अनबिलीवेबल इंसान को लेट्स वेलकम संग्राम सिंह थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी संग्राम जी आपने वर्ल्ड लेवल पे चैंपियनशिप्स करी हैं खेली हैं कॉमनवेल्थ गेम्स आपने जीते हैं अब आपकी मूवी भी आ रही है आपने बहुत सारे रियलिटी शोज़ भी आपने बताया किए हैं सॉन्ग्स किए हैं इतना कुछ किया है तो हम जानना चाहते हैं कि एक रेसलर की और एक फिट एक्टर की डाइट कैसी होती है तो मुझे पता है आप बोलोगे कि मैं तो बस नेचुरल खाता हूँ सादा खाता हूँ बट मैं जानना चाहती हूँ कि आप सुबह से लेकर रात तक एग्जैक्टली exactly किस किस तरह का क्या क्या खाते हो किस तरह से होती है आपकी डाइट एक बार उसको पूरी तरह अच्छे से बताइए देखो जी मैं तो बहुत मैं पहले ही बता रहा था मैं एक छोटा सा रेसलर हूँ कॉमनवेल्थ हेवियट चैम्पियनशिप जीती है डाइट में ना मेरे मानना है कि अगर आपको खाना आना तो कुछ अच्छा खाओ ये नहीं कि मतलब पेट डस्टबिन नहीं है कुछ भी डाल लिया भले ही पानी पी लो आप फास्ट कर लो मगर कुछ भी मत खाओ अगर आप थोड़ा सा भी इसके प्रति अगर आप लापरवाह हो गए ना तो फिर आप आपकी फिटनेस भी आप बीमार होते हो अगर थोड़ा सा इसकी परवाह करोगे ना कि भाई मैं मेक श्योर मैं क्या खा रहा हूँ देखो जैसे हम नारियल पानी पिए अभी हमने या पानी पिया ये शरीर को फायदा देगा नुकसान तो देगा नहीं।, नहीं जो खाना टेस्टी होगा ना उतना हेल्दी नहीं होगा और जो हेल्दी होगा उतना टेस्टी हो नहीं होगा अब आप पिज्ज़ा बर्गर ये सब खाते हैं उनको चबाने लग जाओ आप चबाओगे ना तो टेस्टलेस हो जाएंगे सूखी रोटी को आप चबाओगे ना तो टेस्टफुल हो जाएगी तो जो तो क्या है कि जो भी खाना खाओ मेक श्योर जो मैं करता हूँ आराम आराम से उसको खाओ पहले मैं भी बहुत फास्ट खाता था Okay. और खाना घर का बना हुआ खाओ पर आपका आ... तो ट्रैवल इतना रहता है तो फिर आप घर का बना हुआ मैं अपने साथ अपना घी अच्छा। अपनी हल्दी अपना नमक अपना गुड़ अच्छा ये चार चीज़ रखता हूँ जैसे मैं दिल्ली आया हूँ तो मेरी सिस्टर दिल्ली रहती है तो वहाँ से मुझे कुछ बना के भेज देते हैं आप अपने घर से अगर आपको स्वस्थ रहना तो चार चीज़ दूर कर दो सफ़ेद चीनी सफ़ेद नमक अच्छा एक रिफाइंड ऑयल

ये कोई कोई भी अगर इसका ऊपर नीचे हुआ तो हम बीमार हो जाएंगे डॉक्टर अपनी भाषा में कहेंगे कि भैया डिफरेंट डिफरेंट बीमारी हैं वो तो मैं उतना पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं तो कि डॉक्टर वाली भाषा जान पाऊँ तो क्या है कि हमें बैलेंस करने के लिए देखो ये ये बता रहा हूँ आज ये पाँच उंगलियाँ हैं सारी बीमारियों का ये क्या है ये है फायर आग ये है एयर हवा ये है स्काई आसमान ये है अर्थ धरती ये है वोटर इतर, जल इतर। और शरीर पंचतत्व से बना है ये पंच तत्व वही है अगर कभी आपको लगे कि आपका माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब है तो थोड़ी देर ये बैठ जाते हैं योगा करते हैं ना ज्यादा है तो ये बैठ जाते हैं आपको लगे कि एसिडिटी ज्यादा हो गई ये सब हो गए तो थोड़ी देर ये बैठ जाओ आपको लगता है कि आपके यूरिन में बर्निंग है बाकी चीजें हो रही हैं तो आप थोड़ी देर ये बैठ जाओ कि मतलब नहीं वो जो जैसे जुकाम खांसी ये सब तो ये बैठ जाओ दस मिनट आप ही करके बैठेगा जुकाम खांसी होगा नहीं और आपको लगता है कि वह पेशाब में जलन है बाकी चीजें हैं तो ये आख को जल को मिला दो तो ऐसे करके बैठने से होगा क्या क्या ये कनेक्टेड है नर्व्स? जी एक, एक एक ने पूछा कि भैया सिर में दर्द है तो मैंने कहा सिर में दर्द डॉक्टर इंजेक्शन कहाँ लगाता है बोला कूल्हे पे हाथ पे लगाता है ना <laughs> तो ये सारी बॉडी पूरे जो बॉडी के 80 परसेंट जो वो सिस्टम है ना वो इन हाथ से और नीचे वाले पैरों से कहीं मसाज भी करो ना तो इन पे ज्यादा करो ये सारे पॉइंट यहाँ से होते हैं अब हमारे तो हाथ एक्सरसाइज करके सारे पॉइंट दब ही जाते हैं भाई कभी गला खराब है तो जैसे आपका ये है तो ये ये प्रेस कर लो आप ऐसे ऐसे करके दिन में okay. तीन चार बार आप करोगे ना तो गला आपका ठीक हो जाएगा तो सारी बीमारी यहां से बड़ी से बड़ी बीमारी भी खाना खाने से पहले ना दस दस बार ऐसे कर लिया करो अच्छा इससे क्या होगा कि आपका लीवर एक्टिवेट हो जाएगा ओके okay. तो छोटी छोटी चीजें और नहाने से पहले और खाने के बाद एक नंबर जाओ जिंदगी में जो बड़ा बदलाव होता है ना पहले और खाने के बाद हाँ और दो नंबर दो टाइम जाओ खाने से पहले पर ये हमारे हाथ में थोड़ी ना है नहीं आपके हाथ में आदत डालो आदत हो जाएगी मेरी आदत है मैं जाता हूँ Okay. तो क्या कि जिंदगी में बदलाव बड़ा बदलाव है ना बड़ी चीज नहीं लेके आती छोटी छोटी चीज बड़ा, बड़ा बदलाव लेके आती है दस बार ये करना होता है क्या हो गया ठीक है और कोशिश करो कि आप वज्रासन में बैठ पाओ तो दिन में दस पंद्रह मिनट बैठ जाओ अगर वज्रासन में नहीं बैठ सकते तो नॉर्मली बैठो वॉकिंग बोलते हैं ना कि मैं तो वॉक करता हूँ पाँच किलोमीटर सात किलोमीटर दस किलोमीटर बड़ी अच्छी बात है मगर वॉक है ना सबसे ज्यादा आपको स्टेप बनाती है क्या बनाती है आपकी बॉडी स्टिफ हो जाती स्टिफ है बनाती है। okay. वॉक कर रहे हो ना स्ट्रेचिंग जरूर करो नहीं तो रनिंग कर लो हल्की हल्की मैं तो देखो बोलता हूँ किसी को क्योंकि आप मुझे सौ किलोमीटर ले जाओ मैं चल नहीं सकता मैं भागता तो रहूंगा हल्का हल्का मगर चल नहीं, नहीं।, नहीं पाऊंगा मैं नहीं। नहीं। तो वॉकिंग बड़ी अच्छी चीज है अस्सी नब्बे साल से ऊपर जरूर करनी चाहिए अभी हम यंग हैं अभी तो हमें अच्छी तो एक्सरसाइज करनी चाहिए बाकी सब कुछ हो जाएगा उसमें अगर नहीं मिल रहा तो फिर आप वॉकिंग करो कहीं में जैसे एयरपोर्ट वगैरह पे मैं आजकल लाउंज में कम बैठता हूँ तुम तो टाइम मिलता है, तो वन आवर में उससे पहले वो कर लेता हूँ तो ये छोटी छोटी चीज़ आप ध्यान दोगे ना खाना आपने खाया तो उसके वन आवर के बाद पानी जरूर पियो वो एसिड बनेगा खाना खाते ही पानी पियोगे तो टम्बी बाहर निकल आएगा और आपकी पाचन क्रिया कमजोर हो जाएगी तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान दोगे ना तो मैं कह रहा हूं कि आप फिट भी हो जाओगे हेल्दी बहुत बो, से लोग परेशान होते हैं सुबह उठते हैं पाँच बजे घूम के आएंगे फिर छोले कचोरी और वो सब खा लेंगे आप परेशान तो हो रहे हो थोड़ा सा और परेशान हो जाओ पाँच बजे उठ रहे हो साढ़े चार बजे उठ जाओ डेढ़ घंटा अच्छे एक्सरसाइज कर लो तो आप फिट हो गए फैट टू फिट फिट टू एथलीट समझे ना तो वो वो सब वो रूटीन है तो डाइट पे अगर वापस आए ये तो बहुत अच्छी आपने हैबिट्स बताई हैं जो छोटी छोटी बड़ी इंपॉर्टेंट हैबिट्स हैं ये जिससे कहते हैं ना हेल्दी लाइफ का ये पार्ट है सारी डाइट पर एक बार मैं वापस आती हूँ मैं आपकी डाइट जानने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ जी मैं आपको बताता हूँ डाइट में सुबह उठता हूँ आजकल मैं तीन चार बजे तक खा लेता हूँ सब कुछ अगले दिन जैसे मैं रेसलिंग कर रहा हूँ तो सुबह ही खाऊँगा अच्छा। तो मैं सुबह उठता हूँ सुबह उठते ही मैं गर्म पानी पीता हूँ वो सब करके और मैं उसका मालिका नाम लेके सोता हूँ परमात्मा का और परमात्मा का नाम लेके उठता हूँ पानी पी के फिर मैं ऑयल पुलिंग करता हूँ अच्छा कभी को, कभी से, से? कभी कोकोनट कभी मस्टर्ड कभी आलमंड कभी कोई कभी कोई अच्छा, थोड़ा कर लो अच्छा, कभी देसी घी भी थोड़ा सा क्या फायदा होता है इससे क्यों करते हैं आप उससे फायदा ये होता है कि आपको सप्ताह में तीन चार दिन जरूर करना चाहिए कि आपकी मसूड़े आपके दांत आपका यहाँ तक का सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा पूरी ओरल हेल्थ के लिए अच्छा ओरल हेल्थ के लिए अच्छा है और फिर

ए बी सी जूस पीता हूँ एप्पल बीट्रूट कैरेट उसमें थोड़ा आमला डलवा लेता हूँ पहले वर्कआउट से पहले आप कुछ नहीं लेते कोई प्री ये तो बहुत चलता है कि प्री वर्कआउट मील कॉफी यही तो यही तो खा लिया ये तो ये तो मतलब दिक्कत पता है, क्या है? जो प्री वाले हैं ना ये ये हमारा शरीर है ना ये सिस्टम बहुत कमाल का है आपने थोड़ी चीज खाई ना ये अंदर उतना ही काम करेगा और अगर आपने ज्यादा खाया तभी उतना ही पहचाना काम करेगा तो ये बार बार इस मशीन को कर खराब हो जाएगा थोड़ा खाओ एक बार खाई होगी दो बार खाई होगी तीन बार खाई रोगी <laughs> और हम बोलते हैं ना भाई इतनी देर खाओ इतनी देर खाओ इतनी, <laughs> इतनी कर। अगर आपको सही वर्कआउट करना ना अच्छा का वर्कआउट करना तो आप कुछ खा के वर्कआउट कर ही नहीं सकते आप जिम में तो कुछ से खा के ब्रेकफास्ट कर, कर, कर लो मगर जो वर्कआउट करता हूँ ना आप कुछ खाओगे ना तो फिर उल्टा ही आ जाएगा अच्छा <laughs>

नहीं तो इस शरीर को बारह चौदह सोलह घंटे भूखा रहने दो ना आधी बीमारी भी, भी आपकी दूर हो जाएंगी अब खुद बताओ एक मंडी होती है हाँ। उसमें लाला जी बैठे रहते हैं आ, अरे कचौड़ी देना ये देना जलेबी देना सब खाते रहते हैं वो पाँच के का एक बट्टा नहीं उठा सकते जो चटनी रोटी खाता ना मजदूर सौ सौ के की बोरे उठा डालता है उन्हीं से अचार मांगता हो तो बार बार अगर आप खाते रहे ना सारी चीज़ करते रहे तो आपका पाचन क्रिया आपका इंटरनल सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा और जो बात करते हैं ना मैं मैं खुद कहता हूँ प्रोटीन ये सब नुकसानदायक नहीं है आप ले सकते हो मान लो आपको आप एक महीने का एक करोड़ कमाते हो मैं आपको पांच करोड़ दे दूंगा तो आप ये सब काम थोड़ी करोगे आप तो बैठ जाओगे आराम से फिर आप बिल्कुल सुस्त हो जाओगे लॉजिक समझना अगर हम एक्स्ट्रा चीज बाहर से डालने लग गए ना ये विटामिन ये प्रोटीन और ये ये और जितना हम करते हैं नहीं तो इंटरनली जो हमारी क्षमता ना वो काम करना बंद कर देगी यानी भविष्य में साल दो साल तीन साल बाद आपको गहरी बीमारी हो सकती है पाचन क्रिया आपके चली जाएगी लीवर चला जाएगा आपका जो स्टमक है वो चीज़ नुकसानदायक हो जाएंगे मैं कैसे समझाऊँ बच्चों को प्री वर्कआउट प्री वर्कआउट भैया पीना तो अच्छा काम करो ना कि नींबू पानी लो नींबू पानी गर्मियों में नींबू पानी ठंडा ले लो नॉर्मल ले लो मटके का सर्दी में थोड़ा गर्म ले लो उसमें थोड़ा शेड डाल लो या अपने उसमें खान डालो सफ़ेद जैसे जो चीनी है उसकी जगह खांड लेके आओ मिश्री लेके आओ या जगरी लेके आओ जगरी का पाउडर वो डालो थोड़ा सा सेंधा नमक डाल लो उसमें वो पियो ना वो सिप सिप करके पीओ वो शरीर में ताकत तो देगा परी वर्कआउट काउे कहा थोड़ी देर में लीवर वो खराब हो जाएगा देखो क्या होता है घर गिरने वाला है उसके बाहर डिस्टम्बर करने से वो दीवार नहीं नहीं होती तो जो मेरे युवा दोस्त हैं वो मसल्स दिखाने चक्कर में वो सिक्स पैक दिखाने चक्कर में फिटनेस का सिक्स पैक का जीरो साइज का कोई मायना नहीं है ना कोई मतलब है बहुत से बोलते हैं ना कि वो जीरो साइज ऑफ फिट है वो सिक्स पैक ऑफ फिट है, बिल्कुल भी फिट नहीं है उन्हें कॉन्स्टिपेशन हुआ रहता है <coughs> फिट इंसान वो है फिटनेस का मतलब ये है कि हम अपने दैनिक कार्य आसानी से करें <coughs> और शाम को हमें आराम से नींद आ जाए <coughs> वो फिटनेस है <coughs> नहीं तो फिटनेस का पैमाना सबके लिए अलग है कोई दस किलोमीटर भाग सकता है कोई पाँच घंटे वर्कआउट कर सकता है कोई दस मिनट में थक जाता है कोई एक घंटे में थकता है तो फिटनेस का पैमाना अलग है तो ये जो बच्चे हैं जो हमारे युवा दोस्त हैं

नॉर्मल जो लाइफ स्टाइल रूटीन है ना वो गलत हो जाता है अब कोई एक्टर भी देख लो कईयों को आर्टैक आया कुछ आया आप एक तो चाय कॉफी भी आप उतनी लो जितनी जरूरत है नशा बिल्कुल मत करो और नशा करते हैं ड्रिंक करते को, को करते मैं कह रहा हूं, जवानी में इतना नशा है आपको नशा करने की जरूरत नहीं जिंदगी में कितना नशा है Right, right. समझे ना right. तो फिर ये हार्ट अटैक इन सबसे आप दूर रहोगे एक्चुअली hmm. क्या जो आजकल सिखाते गुस्सा करना नहीं करना चाहिए गुस्सा करने से सेहत खराब होती है किसी का बच्चा अगर ड्रग्स ले रहा है या नशा कर रहा है उसका बाप अगर गुस्सा नहीं करेगा तो उसकी नहीं खराब हो जाएगी तो ये समझते नहीं कि भैया हेल्थ है ना सब कुछ वो आपकी उसे चलती है नेचर से चलती है hmm. और हम सोचते हैं कि भैया नहीं आई डॉक्टर ने बोला कि हर दो घंटे में कुछ खाना है हर दो मेरा मेटाबॉलिज्म ये हो जाएगा मेरा वो हो जाएगा अरे भैया उनको पता ही नहीं कि हर दो घंटे में खाओगे तो आप शरीर खराब कर रहे हो खाना तीन ही होता है शेर अब एक मेरा कोच कहता था आपको शेर बनना है बकरी बनना है शेर अपना शिकार दो दिन में एक बार खाता है करता है और फिर छुट्टी हजम करता है बकरी मैं पूरा दिन मुँह चलाती रहती हूँ कहाँ ताकत रोती है तो ये क्या है कि आपको खाना उतना ही खाना है सुबह खा लिया थोड़ा दोपहर में आपने ले लिया शाम को ले लिया अब ये थोड़ी है वो जीना खाने पीने ना के खाना पीना जीने हम आजकल जरूरत से बहुत ज्यादा इसलिए भी खा रहे हैं क्योंकि <coughs> खाने की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है खाने की ऑप्शन बहुत ज्यादा है हम, हम... अगर हम ह्यूमन ईटिंग की एवोल्यूशन की बात करें तो ह्यूमन बींग सिर्फ उस टाइम पे खाता था जब उसको खाना मिलता था और ये पता नहीं होता था कि अगला खाना मुझे कब मिलेगा कहाँ मिलेगा कैसे मिलेगा कितना मिलेगा तो वो पूरी उस उस टाइम पे खा के उस एनर्जी को स्टोर कर लेता था बर्न करता था फास्टिंग हो जाती थी अपने आप जब तक वो अगला उनको वो शिकार या अगला वो मील नहीं मिल रहा बट अब हमें जोमेटो स्विगी से अब म, 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 मैं, उसी बात पर आ रहा हूँ जी क्या है कि ये हमने और जो नई नई चीज़ों ने आदत बिगाड़ दी है पहले क्या होता था कि हमें फल तब मिलता था जब घर में कोई रिश्तेदार आता था

थोड़े टाइम के लिए आप ताकतवर बनोगे आप बड़े बड़े वो ले रहे हैं बहुत से इंजेक्शन लगा लेते हैं सिक्स पैक के लिए बहुत से चीज़ें कर लेते हैं या बहुत सा वो एक्टर ऐसा है उसकी बॉडी हो माई गोड साठ साल में हो गई ओ भैया वो बॉडी थोड़े दिन दिखने के लिए बनाते हैं वो एक्चुअली फिट नहीं होते एक्चुअली फिट तो कोई हमारे जैसे आदमी होता जो पूरी ज़िंदगी भर वो प्रोसेस करता हुआ आ रहा है समझे ना कई वो भी आजकल जो नए आ रहे हैं वो फिट हैं वो वो भी मेहनत कर रहे हैं दिखने में फिट और एक्चुअली फ़िट होने में बहुत फ़र्क है अगर आप सही प्रोसेस करोगे ना तो आप दिखने में फिट हो जाओगे और एक्चुअली फ़िट हो जाओगे ये जो आपने ब्रांड के नाम लिए यहाँ से खाना मंगवा लो खाना मंगवा लो अच्छी बात है बहुत मगर यहाँ से भी गर्जे सा खाना मंगवाओ बाकी चीज़ें वो करो खाना वो खाओ जो सही है और सप्ताह में एक दिन फास्टिंग क्यों बताई गई थी कि इस अगर आप फास्ट करते हो फास्ट करने से आपकी ढेर सारी बीमारी दूर होती हैं अब खाते 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 रहोगे दो घंटे बाद डॉक्टर ने बोला दो घंटे बाद ये खाना है तीन घंटे बाद ये खाना है मेटाबॉलिज्म सही रहेगा फैट कम होगा ये मतलब ये है ना ये जो एक आ, आप आइडल है ना जो एक बॉडी का एक आइडल एक होता है उसको हम तोड़ रहे हैं एक उठनेरी होती है कि भईया सुबह जैसे सूर्य उगने से पहले उठना चाहिए हुँ. आप फिर उसके अनुसार आप फिर आप दिनचर्या बनाओ काम करो देखो भले ही हम नहीं कर सकते हम कुछ तो फॉलो करना पड़ेगा ना तो जिंदगी में बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड मत हो यहाँ से आप है ना अगर आराम आराम से खाते हो खुश रहते हो आज मैं एक बड़ा फिटनेस का फंडा देकर जा रहा हूँ वो वो फॉलो करना बहुत फिट रहोगे खाना भूख से कम पानी डबल वर्कआउट ट्रिपल और रसना चार गुना आप हो गए फिट खाम खाम मतलब ये ये करना तो इन इन फंडों बिल्कुल मत जाओ कोई कहता ना कि ये ये तगड़ा और वो तगड़ा और वो तगड़ा हाथ पकड़ा हुआ है मुझे कितना खाते हो खाने से इंसान तगड़ा नहीं होता मजबूत नहीं होता इंसान मजबूत होता है उसके डेली रूटीन से वो फॉलो करने से तू सही चीज़ें खाओ नेचुरल चीज़ें खाओ वेजिटेरियन बनो वो हमारे दांत वो चीज़ है ही नहीं केंद्र उन खाएँ अब बोसे बना दिया माई गोड चिकन में ये फिश में ये उसमें ये उसमें ये एक मुर्गी के अंडे में इतना अरे मुर्गी बेचारी क्या खाती है उसको एक डंडा मारो मर जाएगी भैंस गाएँगे अब चाहे मुसल मार लो कुछ होगा उसको ये जो रूटीन बना रखा है ना जो आजकल के इन्होंने ये गलत रूटीन बना रखा है एक आलू खा लिया एक अंडा खा लिया और किसी चीज़ को मार के अगर आप कुछ खाओगे तो कहाँ से ताकत मिलेगी जी मैंने कहता कि जो नॉनवेज खा रहे हैं भैया मैंने कह रहा कि आप गलत हैं आप ठीक है मगर मैं तो कहूँगा कि छोड़ दो है तो चीज़ गलत तो शाकाहारी अपनाओ और टाइम पे खाना खाओ अच्छा खाना खाओ खाना चेंज करते रहो अपना मिलट खाओ ना uh, सर्दी है तो इसमें बाजरा खाओ गर्मी है तो ज्वारी खाओ गेहूँ खा लो कुछ भी खा लो आजकल तो बना दिया कि भैया ये चीज़ ये चीज़ ये चीज़ तो ज़्यादा सोचना नहीं होता जी जो मिले ना अगर हम प्रसाद से मजे खाने लग गए ना तो खाना ही बचेगा हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी नहीं तो वे खाना भी वेस्ट करेंगे ज्यादा खा लेंगे पट्टे तो क्या करें टॉयलेट में जाएंगे और क्या कहाँ जाएंगे <laughs> खाना तो बॉडी उतना ही रखेंगे ना जितना है इसमें एक गिलास पानी में मैं इतना डालूंगा ज्यादा डालूंगा तो पानी गिर जाएगा तो शरीर भी वही है नहीं वो फैट बन के जमा होगा ना तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि मैं बहुत मीठा खाता हूँ बहुत घी खाता हूँ सारी चीज़ें करता हूँ कोशिश करता हूँ मीठा खाऊँ तो गुड़ खा लूँ या फिर मैं मिश्री खा लूँ या शहद ले लूँ मगर आजकल तो हर वही है मैंने एक नमक देखा एक बार आप हस्तोगे मैं मजा करता हूँ नमक हिमालय से पच्चीस हजार साल पुराना लिखा निकाला हुआ हिमालय का नमक तो मैं कल्पना करने लग गया यार कैसे इन्होंने निकाला हुआ कैसे लेके आए होंगे और एक्सपायरी डेट जून ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री तो मैंने कहा पच्चीस हज़ार साल पुराने वाला हिमालय वाला नमक है उसकी एक्सपायरी डेट अब जून में भैया तो समझ रहे हो तो जो ये एडवर्टाइज बनाई गई थी ना ये बड़े आदमी ऊपर बावज करने के लिए बनाई गई थी मगर पर बावज मीडियम और जो आम होते हैं पता क्या होता है कि हर चीज़ का एक सर्कल होता है हम उसमें घूम के उसमें फंसते रहते हैं जो नॉर्मली होगा तो आपका बॉडी चेकअप होना चाहिए हर तीसरे महीने छठे महीने माई गोड बहुत स्ट्रेस हो गया टेंशन हो गई है आपको ऐसा लगेगा कि साठ सारे सारी जुद्ध यही है अरे जब तक तो शरीर में कोई कमी होगी शरीर खुद बता देगा रिएक्ट करेगा करवा लो चेकअप एक आधी बार करवा लो हर रोज वो वो गिनी पिक थोड़ी बनना होता है कि जी हर दूसरे महीने खून दे के वो आपका टेस्ट कर रहे हैं और कर रहे हो तो करेंगे वो तो अगर वो नहीं करे तो इतनी लेबोरेटरी या इतनी चीज़ें कहाँ से चलेंगे बेचारे समझे ना वापस आपकी डाइट पे आती हूँ तो वर्कआउट के बाद आपने बोला कि आप सिंपल घर का कुछ खाते हो जी वर्कआउट के बाद मैं जैसे बाहर रहता हूँ तो ए बी सी जूस पीता हूँ अच्छा एबीसी जूस रोज एबीसी जूस लेते हैं सर्दियां गर्मियां मतलब बार बार रहता तो करता हूँ इसमें अच्छी चीज है अच्छा, अच्छा, इसमें इस रखते हैं जी तो मुझे छान अच्छा, मतलब के लेते हैं या बिना छान शायद छान के लेंगे नहीं तो फिर उसमें आगा नहीं छाना पड़ेगा शायद फिर मैं दलिया लेता ओट लेता हूँ ड्राई फ्रूट के साथ शायद के साथ लेता हूँ अच्छा एक जैसे आजकल मैंने बोला कि मूंग दाल चिल्ला बना दिया करो भैया एक अच्छा। तो मूंग दाल चिल्ला खा लिया तो ब्रेकफास्ट थोड़ा करता हूँ बाकी हाँ। एक आजकल तो खा लेता हूँ उस पर थोड़ा शेड डाल के अच्छा ये मेरा हाँ। ब्रेकफास्ट रहता है बाकी तो ब्रेड तो को कोई भी अच्छा नहीं रहता जी ये तो मजबूरी में खाना पड़ता है <coughs> घर होता हूँ तो मैं क्या करता हूँ फ्रूट खाता हूँ ड्राई फ्रूट खाता हूँ बस रात को भी गो देता हूँ फिर मैं दोपहर में लंच में सिंपल रोटी अच्छा, अच्छा दाल एक सब्जी छाछ देसी घी मतलब सब्जी में उसमें डालता हूँ ऊपर से डालते हैं घी कच्चा हाँ कच्चा डालता हूँ मैं मतलब तो पीता था कि गिलास इसी इतना बड़ा गिलास पहले और सलाद मतलब लेता हूं। ये फिक्स है कि सलाद साथ में लेना ही है <laughs> हो तो ले लो नहीं हो तो कोई बात नहीं अच्छा। सलाद हो जाए तो अच्छी बात है सलाद तो खाना अच्छी बात है सिंपल सिंपल रखा हुआ है आपने बहुत शाम को सही है, नहीं मिला तो हाँ, उसके बाद थोड़ा गुड़ खा लेता हूँ अच्छा। शाम को जैसे कई बार वैसे भूख कम लगती है भूख लगे तो उसके बाद में एक दो घंटे बाद दूध पी लेता था नहीं थोड़ा सा एक सेब खा लो नहीं तो फिर वर्कआउट किया फिर शाम को फिर मैं बाहर रहता हूँ दलिया एक दिन खिचड़ी अच्छा देसी घी उसमें डाल लेता हूँ वो खाता हूँ रोटी नहीं खाते <laughs> रोटी सिर्फ एक टाइम खाता हूँ सिर्फ एक टाइम दिन, दिन में, में दिन में अच्छा। यहाँ भी और वहाँ भी और गाँव में जाता हूँ तो रोटी दो टाइम खाता हूँ दोपहर में शाम के वो भी आप मिलेट्स की रोटी ज्वार बाजरा सब चीज़ों की जो मिल अच्छा। अच्छा। जाए वही मिलेट हो जाता है माइंड से सोच लेता हूँ भैया मिलेट है ये तो ठीक है अच्छा बाकी मिलेट खाओ तो अच्छा रहता है दूध जैसे मैं घर रहता हूँ तो मैं अपनी गाय का भैंस का दूध पीता हूँ बाहर रहता हूँ तो आलमंड मिल्क पी लेता हूँ एसिडिटी बीच में बता था उन्होंने मैंने कहा भाई मान लो ये बीच डिग्री करके आए तो नहीं तो इनकी मान लो थोड़ी बहुत तो वो वो पी लेता हूँ कोई मीठा मीठा खाने का होता है तो मैं खा लेता हूं। जैसे कोई लड्डू अच्छा। जो घर से बने हुए हैं बाकी चीजें हैं ये बहुत अच्छी बात है कि किसी भी चीज के लिए कोई स्ट्रिक्ट नो no नहीं है खजूर है ये नहीं खाना ये बिल्कुल नहीं जो नहीं खाना नहीं। मिल जाए मैं उसका धन्यवाद करता हूँ खा लेता हूँ और खुश रहता हूँ बस कोई ऐसा है नहीं कि मतलब कोई भी चीज़ नहीं खाता मैं हाँ वेजिटेरियन खाना खाता हूँ शुरू से आप हमेशा से वेजिटेरियन ही मोस्टली वेजिटेरियन रहा हूँ मैं बीच में एक बार पता नहीं क्या आयन कम था जो डॉक्टर हुई भाषा में ये सब कम था और कम था बोले कि भाई खा लो और ये चीज कर लो और वो कर लो और दो चार दिन तो खाए फिर ऐसा लगता था कि भाई पता नहीं क्या कर रहा हूँ मेरे छोड़ दिया मैंने अच्छा। और डिनर से और सोने के बीच में कितना गैप रखते हो या ऐसा कुछ नहीं है आजकल तो काम इतना रहता है कि मैं कोशिश करनी चाहिए कि ग्यारह बजे से दो बजे तक हमारा लेवर खून बनाता है हमें सो जाना चाहिए मगर आजकल कल बारह बज जाता है आठ नौ बजे तक खा लो नौ साढ़े नौ बजे तक तो ऐसा कोई है नहीं सोने से पहले मैं एक रूटीन में हर रोज़ फॉलो करता हूँ हनुमान चालीसा करता हूँ कई बार हूँ बैठ के हनुमान चालीसा करता हूँ अपना कुछ रूटीन रहता है जो मैं पढ़ता हूँ ना रात को रात को पढ़ के सोता हूँ दस मिनट मतलब वो पेंसिल रख के पढ़ो या पढ़ू आज कल नहीं पढ़ पाया जैसे लेट हो गया क्या क्या पढ़ते हैं कोई मोटिवेशन चीज़ पढ़ लो या अच्छा किताबें याबेंगे कोई इंग्लिश का पढ़ लो हिंदी का पढ़ लो इंग्लिश का इसलिए पढ़ लो कि भैया अब थोड़ा सा इंग्लिश पे थोड़ी सी

अगर आपको सब ज्यादा सिक्स पैक देखने ना रिक्शा वाले के सब ज्यादा सिक्स पैक मिलेंगे क्योंकि उसका मेहनत ज्यादा होती है उतना तो वो कंज्यूम नहीं करता वो दूसरी चीज़ खाता है तो क्या है कि ये शरीर है ना बनाया उसके लिए अगर आपने ना आपको डाइट से नहीं मिल रही ना रोटिया ज्यादा खा लेगा ये अगर आपको डाइट ज्यादा मिल रही है कम खाएगा ये नहीं मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि आप ये चीज़ कैलकुलेट करते हो क्या कि मेरे खाने में प्रोटीन कितना है या हर मील में मैं कुछ प्रोटीन ले रहा हूँ या ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल फ्री फ्लो अगर मैं इस नंबर में चला गया ना जी एक्चुअली बीमार हो जाऊँगा मैं देखता हूँ मेरा काम बंद करवा <laughs> मैं मैं देखता हूँ कि खाना जो आजकल कहते भाई खाने में प्रोटीन भी हो खाने में आ, फाइबर भी हो खाने में आ, वो भी हो जो कार्बो भी हो ये सब हो मैं वैसे सच बताऊँ हाँ। ऑनेस्टली मैं ये सब काउंट ही नहीं करता ना मुझे पता होता इन चीज़ का मैं मैं देखता हूँ कि हेल्दी खाना है कोई पिज्ज़ा बर्गर मैं नहीं खा रहा कोई बाहर खाना मैं नहीं खा रहा तो मैं वो देख लेता हूँ कि दाल है उसमें प्रोटीन मिला घी डाल दिया तो सब अच्छा हो गया फिर सब्जी है सब्ज़ी ग्रीन सब्जी लेता हूँ एक जैसे पालक का लो तो ये अच्छी बात है अच्छा। और फिर घी है ना घी रोटी पे मत रखो घी सब्जी में डालो अच्छा ऐसा क्यों रोटी पे अगर आप घी रखोगे तो देर से जमा होगी क्योंकि एक, एक रोटी को आप एक पानी टब में डाल दो और आप चौपड़ के डाल दो शाम तक वो है ना सेम रहेगी वो हिला के तोड़नी पड़ेगी कच्ची रोटी को डाल दो आप दो घंटे में टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे मगर बगैर घी लगाए तो इसलिए रोटी बगैर घी के खानी चाहिए अच्छा और अगर आप रात को खाना खाया ना तो कोशिश करो कि आप पाँच सौ सात सौ कदम टहल लो तो अच्छी बात है एक्चुअली वॉक करनी चाहिए रात को खाने के बाद मतलब उसका असर होता है असर होता अच्छा है। इम्पैक्ट तब ज़्यादा अच्छा रहेगा फिर जैसे रात में जब आप सोते भी हैं तो ब्रश किया नॉर्मली किया उसको धन्यवाद दो आराम से नॉर्मली करके फिर आप सो जाओ हुँ. अगर रात को सोने से पहले आपके माइंड में कुछ ज्यादा चलता है या ज्यादा पढ़ते हैं कई बार हो जाता है हम सबको हो जाता है तो फिर वो नींद से ही नहीं आएगी नींद नहीं आएगी तो अगला दिन खराब जाएगा mm -hmm. क्वालिटी उस पर जैसे mm -hmm. आप माइंड में सोच लो देखो याद रखो जो ये है ना ये ये जो हमारा दिमाग है ना ये सबसे अच्छा सेवक भी और सबसे कठोर मालिक भी है mm -hmm. इसको सेवक बना के रखोगे ना तो ये काम करता रहेगा बाक भाग भाग के और ये शरीर और दिमाग इतना नालायक है जो तो छोड़ दोगे ना तो ऐसा मालिक बन जाएगा ये लेगा नहीं है बुढ़ापा ना बुढ़ापा इनसे नहीं आता बुढ़ापा बॉडी की मूवमेंट बंद हो गई ना तो बुढ़ापा आ जाएगा अगर बॉडी को मूव करते रहे ना तो बूढ़ी होगी नहीं बॉडी चाहे नब्बे साल है सौ साल है इंसान की उम्र नहीं है कि साठ साल है सौ साल हो तो कितने साल जी सकता है बशर्ते यह है कि हम उसको ज़बरदस्ती बूढ़ा बनाते हैं टेंशन लेके सबसे इंसान की ज़्यादा जो आजकल देखो एक बीमारी है डायबिटीज़ वो एटी परसेंट डायबिटीज़ है डायबिटीज़ मीठा खाने से नहीं होती डायबिटीज़ होती है टेंशन लेने से स्ट्रेस लेने से लाइफ स्टाइल ख़राब अब कैंसर शुगर बी पी टी बी अर्थाइटिस बीमारी नहीं है ये लाइफ स्टाइल डिजीज हैं ये हम सबके अंदर हैं हमने लिया तो ऊपर आ गई डॉक्टर ये पैसे बना दिए हमने छोड़ा तो अंदर चली गई और दवाई का तो पता क्या सर्कल होता है दवाई आप रेर उसमें लो एक बीमारी की दवाई लोगे ना तो दूसरी बीमारी वो तो ठीक हो जाएगी दूसरी दूसरा पकड़ लेगी दूसरी लोग तीसरी पकड़ लेगी समझ रहे हो एक वो लोहा और चुंबक होते हैं ना वो चिपकते हैं विपरीत दिशा में कर दोगे ना तो पास भी रखे रहेंगे चिपकेंगे नहीं तो जिंदगी में मेक श्योर sure ये करो कि आप अपने एक बैलेंस बना लोगे ना तो उस हिसाब से उस चीज़ रहेगा और इसको ठीक रख लो ना तो नीचे वाला ठीक हो ही जाता है <laughs> मेन इसका ठीक जरूरी है टेंशन लेंगे तब भी वही बात होनी है नहीं लेंगे तब भी वही होनी है देखो चिंता से चतुराई घटे घटे रूप और ज्ञान चिंता बढ़िया अब चिंता चिता समान तुलसी भरोसे राम के निर्भय हो सोए अनहोनी होनी नहीं होनी हो सोए भैया चिंतन करो जिसे काम हो जाए चिंता मत करो करोगे ऐसे मत करो कि काम तमाम हो जाए तो थोड़ा बहुत करना होता है ये थोड़ी होता है ज़्यादा सोचना अगर आप ज़्यादा सोचने लग गए ना ज़्यादा आप समझदार हो गए तो आप लेगेसी नहीं छोड़ पाओगे आप पैसे भी कमा लोगे आप वेल टू डेट भी हो जाओगे आप खुश भी हो जाओगे सारी चीज मगर लेगेसी वही छूटेगी जहाँ पर थोड़े से नादान बेवकूफ़ रहेंगे ताकि आप रिस्क लेने से नहीं डरोगे और रिस्क लेना बंद

आप जैसे इंसान उनको ज़रूरत है क्योंकि उनको प्रोटीन कार्बो सब पढ़े लिखे हैं उनको उनको चाहिए अगर उनको नहीं मिलेगा बीमार हो जाएंगे hmm. तो उनके लिए आप सिखाओ बिल्कुल सही करो <laughs> अच्छा संग्राम जी ये ना कहना तो बहुत इजी है और हम जैसे लोगों के लिए प्रैक्टिकल भी है क्योंकि हमारा आपका ये फुल टाइम इस पर फोकस रहता है बट जब तक हमारे पास फैमिली की सपोर्ट ना हो घर में हमारे जो पार्टनर हैं वो हमारी इन चीज़ों को नहीं समझे तो बहुत मुश्किल भी हो जाता है आप जितना मर्जी कह लो कि मुझे सादा खाना खाना है मगर अगर आपके पार्टनर को पिज्जा मंगवाना है तो आपके लिए भी कही कहीं ना कहीं डिफिकल्ट हो जाएगा तो आप और आपकी वाइफ दोनों ही बहुत फिट हो तो आप दोनों मिलकर एज अ कपल गोल कैसे इसको परसू करते हो कैसे मेक श्योर sure करते हो कि हम इंजॉय भी करें बैलेंस भी बनाए और फिट भी रहें अब मैं आपको बताऊं वैसे हम साउथ नॉर्थ हैं अच्छा <laughs> <laughs> वो साउथ में नॉर्थ सा यही कारण है कि हम साथ में तो उनको फिटनेस में मैं लेके आता योगा पे ओके okay, okay. आज वो मेरे से ज्यादा योगा करते हैं वो हर चीज़ के लिए रिएक्ट करेंगे मैं किसी चीज के लिए रिएक्ट ही नहीं करूँगा तो वो उनमें साथ वर्कआउट नहीं करेंगे क्योंकि तो उनका वर्कआउट होता डिफरेंट होता है मेरा होता होता डिफरेंट है okay. मगर एक रूटीन है हमारा हम टाइम पे उठेंगे okay. फ्रेशन अप करके वर्कआउट अपना अपना करेंगे अच्छा चाहे वो दिन अच्छा हो नहीं अच्छा हो वैसे तो सब अच्छा ही होता है जब कभी आप लोग बाहर जाते हो मान लो किसी की शादी है या कोई इवेंट में गए बाहर का खाया तो उसके बाद घर आके कुछ ऐसे स्टेप्स लेते हो कि वो उसको ठीक हो जाए कि हाँ हमने कल गलत गलत खा लिया या ज्यादा खा लिया आज उसको पूरा करना है बराबर करना है एक आधी वो खाना चाहिए आपको ये शरीर है ना इसको सेम आदत तो लग जाएगी ना तो फिर ये बीमारियों से बचे भी रहेगा बाहर खाना एक आधी बार खाना भी चाहिए मैं नहीं कहूँगा कि हर रोज आप सेम खाओ एक दीवार खाने में कोई बुराई नहीं है नहीं। हर रोज खाने में बुराई है एक आधी बार खाओगे तो चलो ठीक है कई बार क्या होता है कि भैया हमारा स्टमक साफ नहीं हुआ तो बारह खाना खा लिया तो अच्छी तरह साफ हो गया कुछ चीजें होगी तो एक आधी बार चल जाता है बॉडी हमारी फ्लेक्सीबल रहती है हर रोज किसी भी चीज़ में ना पर्टिकुलर नहीं होना चाहिए कि भैया ये चीज़ होगी तो ये चीज़ हो जाएगी फ्लेक्सिबल रहो लाइफ में भी उसमें भी जो चीज़ हो गया ठीक है मैं खाने के लिए कभी नहीं करता मैं तो उसका ग्रेटिट्यूड करता हूँ कि भैया चलो इस टाइम पे खाना मिल गया उसका शुक्रिया नहीं तो बहुत से इंसान तो ऐसे हैं ना कि जिनको खाना टाइम पे नहीं मिलता नहीं। और अपने देश में है ना लोग भूखे रहकर इतना नहीं मरते जितने खाना खा के मरते हैं ज्यादा खा लेते हैं तो वो इसलिए ज़्यादा खाते रहते एक हमसे समझदार तो कि वो बैल है बैल के सामने आप चारा डाल दो उतना ही चारा खाएगा जितना भूख है इंसान के सामने डाल दो खाएगा गट्ठे बांध देगा फिर डॉक्टर उधर जाएगा समझे ना जी तो दिक्कत ये है कि जिसमें संयम है ना भगवान जी को पराजित कर सकता है हमारे में ना पेशेंस है फिर ग्रीड बढ़ जाती है फिर सोचते कि आज ही सारा काम कर लो आज में जल्दी जल्दी में ब्रेकफास्ट में थोड़ा ज़्यादा कर लिया तो फिर ये नॉर्मली चीज़ें हैं तो वो एक लाइफ का भी वही रूटीन है खाना भूख से थोड़ा सा कम खाओ ब्रेकफास्ट थोड़ा हैवी कर सकते हो आप लंच फिर थोड़ा सा नॉर्मल कर लो और, और तो थोड़ा थो लाइट।, लाइट कर लो जो जो दिल करे ना जो दिल करे खाओ क्योंकि यही उम्र तो खाने <laughs> पीने फिर तो सूप भी पीना है ठीक है ना <laughs> 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 फिर तो बाद में सूप भी पीना है तो खाओ पीओ यही तो उम्र है खाओ पीओ मस्त रहो एक्सरसाइज करते रहो निकाल दो उसको स्वेट पसी देखो वर्कआउट का मतलब ये नहीं कि आपने पांच योगा के आसन कर लिए डमडम म्यूजिक म्यूजिक बजा लिया तो वर्कआउट है वर्कआउट का मतलब सही है जब आपको स्वेट आता है तो समझ लो आप अपना वर्कआउट काउंट कर सकते हो योगा प्राणायाम बहुत जरूरी है वो वर्कआउट रिलैक्स करने के लिए होता है बाद में खाली अगर आप योगा पे आप वर्कआउट कर रहे करोगे ना फिर तो वो कहेंगे भाई एक मेरा दोस्त है कहता है मैं शरीर बना रहा हूँ हनुमान जी जैसा बन रहा गणेश जी जैसा तो नहीं। नहीं। तो फिर तो भैया खाली उम्मीद उधर लटकेगा ना देखो योगा इंटरनली सेहत के लिए होता है योगा प्राणायाम बाहर की जो कसरत है उस आउटडोर सेहत के लिए होती मतलब इसके लिए होती है तो आप दोनों जरूरी है so, हर तरह का वर्कआउट करना ताकतवर कर वही है।, है जो हर तरह का वर्कआउट करता है वेट ट्रेनिंग करो तो आप भी सब चीजें करते हो योगा भी करते हो जी, मैं भी योगा प्राणायाम करता हूँ कार्डियो भी करते हो आप मेरा कार्डियो तो बहुत खतरनाक रहता है मैं तो भागता दौड़ता हूँ मसलअप करता हूँ सारी चीज करता हूँ सब कार्डियो हो जाता है अच्छा। ये शहरी को कार्डियो बोल देते हैं हम उसको वर्कआउट बोल देते हैं वो कौन सी दो या तीन चीजें ऐसी हैं जो लोगों को करनी चाहिए जो भी ठीक से नहीं कर रहे हैं अगर करते हैं तो वो अपने आप को फिट बना सकते हैं जिसका जो भी गोल है वेट लूज़ करना हो स्ट्रेंथ बिल्ड करनी हो बॉडी बनानी हो इम्यूनिटी अपनी स्ट्रांग करनी हो तो अपने इस गोल को पा सकते हैं ये तीन मूल मंत्रास को फॉलो करके तो क्या है कि आप अपनी लाइफ में एक्चुअली वो चीज़ें करो जो आपको खुश रखें जो आपको सेहत दें जो आपको लगता है कि भैया मेरी ज़िंदगी जीने के लिए सही है तो तीन चीज़ें वो करनी है आपको जिससे एक आप खुश रह सकते हो जिससे आप स्वस्थ रह सकते हो और तीसरी तो एक चीज़ आप डाल ही लो भैया आपको हर रोज़ पसीना ज़रूर निकालना है वर्कआउट जो भी आप करो भले ही आप साइकिलिंग करो आप स्विमिंग करो आप भागो आप डांस करो आप कुछ भी करो आप स्टेयर चढ़ो कुछ भी करो आप आप, आप आ, अपने डॉग के साथ भागो अपने हॉर्स के साथ भागो कुछ भी करो मगर आपका पसीना निकलना चाहिए ये ये पंप पंप है ना ये पंप। देखो हम जब पैदा होते हैं ना और जब जब तक हमारी डेथ नहीं होती तो ये हार्ट नॉन स्टॉप काम करता है एक शीर्षासन ऐसा है जो बना सकता है दीवार के सारे बनाओ नहीं तो फिर टांग ऊपर करो तो उसमें थोड़ा सा इसको आराम मिल जाता है वो खून इसको फेंकना नहीं पड़ता इस चक्कर को चलता तो तब भी है ये मगर थोड़ा सा आराम हो जाता है ब्लड अपने आप ऑलरेडी नॉर्मली आ जाता है तो क्या है कि आप शीर्षासन बनाओ सारे आसन करो सारी चीज़ें करो तो अपने हिसाब से भैया आपको वर्कआउट करना है आपको अच्छा खाना खाना है आपको अच्छे कार्य करने हैं अच्छे काम इसलिए होते हैं कि जिससे आत्मा प्रसन्न रहती है अच्छा खाना खाने से शरीर प्रसन्न रहेगा वर्कआउट करने से शरीर ठीक रहेगा नहीं। नहीं। तो वही है कि इन्वेस्ट स्पेंड योर लाइफ इन चेंज नोट इन रिवेंज तो अपनी ज़िंदगी को नए साल में एक बदलाव में लगाना अपने खुद के किसी से बदला लेने में नहीं लगाना है बदलाव में लगाना बदलाव में लगाना है आप बहुत सारी कहावतें सुनाते हो और आपकी ये कोट्स बहुत पसंद आते हैं आपका फेवरेट कोट, फेवरेट कोट कहावत कौन सी है जो किसी की लाइफ चेंज कर सकता है अगर हमें जिंदगी बदलनी है तो अपने आप पे संयम रखना होगा अपने आप को कंट्रोल करना होगा ये जो हमारी इंद्रिया होती है ना ये बहुत हमें हर गलत चीज़ के लिए प्रभावित करती हैं और गलत चीज बहुत उठ के आती है अच्छी चीज़ बहुत वो टाइम लेता है एक दूध बेचने वाला गली गली चिल्लाएगा वो हम बोलेंगे पानी मिला दिया होगा कहाँ से लेके आया मिलावट है दारू बेचने वाला कैसी वास्तु की ठिका खोल दो भीड़ लगी रहेगी तो सही का और गलत का क्या होता है कि वो एक मतलब एक मेल नहीं होता अब भगवान पता क्यों रखा था हम पूजा क्यों करते हैं हम पूजा डराने के लिए करते हैं भह बह का मतलब होता है <coughs> भूमि ग गगन व वायु अग्नि न नीर पंच तत्व वही भगवान है देवता वो थोड़ी होता है कि जो हमने मूर्तियाँ रखती है वो देवता है देवता वो है हवा है अग्नि है पानी है देवता होता देने वाला उसको देवता बोलते हैं तो किसान को देवता बोलते थे कि भैया जब किसान हल चलाता है तो सबका पेट भरता है तो जिंदगी में अगर आपको जिंदगी चेंज करनी है तो अपने आप पे कंट्रोल कर लो जिसमें संयम है उसको भगवान जी पराजित नहीं कर सकता है कहावत तो मेरे पास इतनी है कि मैं रात कर दूंगा आपको कहावत सुनाता रहूंगा ढेर सारी अच्छी अच्छी कहावतें हैं ये तो जो इंस्टेंट याद आई मैंने बोल दिया ये ऐसी मोटिवेशन है जो लोगों को चाहिए थी ट्वेंटी ट्वेंटी फोर के लिए <laughs> बाकी बहुत मजा आया आपसे बात करके और परमात्मा खुश रखे और ऐसे ही रहो और मेरे लिए थोड़ा दुआ कर देना <laughs> लाखों करोड़ों लोग कर रहे हैं तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये पॉडकास्ट सुनकर आज, आज आप भी इंस्पायर हुए होंगे आपको संग्राम जी की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और अगर आप अपने लिए कस्टमाइज्ड डाइट प्लान बनवाना चाहें तो मेरे फिटनेस प्रोग्राम आई एम वाओ का बेनिफिट ले सकते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है जिसमें क्लिक करके आपको इस प्रोग्राम की सभी डिटेल्स मिल जाएंगी इस तरह के और वीडियोज के लिए चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में टिल देन फिट रहो हिट रहो